पैसेंजर का टिकट बुक कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी जो पेमेंट है वो कट हो जाती है और हमारे वॉलेट से पेमेंट डिटेक्ट होने के बाद भी जो टिकट है वो बुक नहीं हो पाती। हेलो दोस्तों, कई बार सीएससी के रेलवे पोर्टल से हमारे सामने एक समस्या सामने आती है। यहाँ पे जब हम किसी पैसेंजर की टिकट को बुक करते हैं तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो वॉलेट से कट हो जाती है और इसी के साथ जो टिकट है वो यहाँ पे हमारे सामने शो नहीं होती, ना हमारे सामने उसका कोई पीडीएफ या प्रिंट हमें दिखाई देता है, लेकिन जो पेमेंट है वो कट हो जाती है। और कट होने के बाद जब हम सीएससी पोर्टल पे जाकर के देखते हैं, वहाँ से जो पेमेंट है वो हमारे वॉलेट से डिडक्ट हो चुकी होती है और टिकट की पेमेंट कट चुकी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, साथ ही आपको पासवर्ड के बारे में भी बताऊंगा कि आप जब रेलवे का जो टिकट है वो बुक करते हैं और लास्ट पेज पे जाकर के आपको विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आती हैं, आपकी पेमेंट कट नहीं होती है या वॉलेट का जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है आपका, तो वहाँ पे भी आपको परेशानी आती है। तो किस प्रकार से आप जो पासवर्ड है रेलवे का वो किस प्रकार से चेंज करेंगे, किस नंबर पे आपका जो ओटीपी है रेलवे का वो आएगा जिससे कि आपकी जो पेमेंट है वो कट पाएगी, तो यहाँ पे मैं पूरा सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूँगा और आपका समाधान 100% यहाँ पे हो पाएगा। तो यहाँ पे पेमेंट्स को लेकर के, टिकट बुकिंग को लेकर के जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो लगभग इस वीडियो के माध्यम से खत्म हो पाएंगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से समस्या आती है और किस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन करें। तो दोस्तों, हम यहाँ सीएससी के आईआरसीटीसी पोर्टल पे आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे मेरे द्वारा एक जो टिकट बुक की गई थी उसमें जो पेमेंट है वो कट हो गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे जब पोर्टल पे आप आ जाते हैं, आपकी जो पेमेंट है जिस प्रकार से मेरी कट हुई है इसी प्रकार से आपकी भी कट हुई होगी, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का आपके सामने कोई भी सोल्यूशन नहीं दिखाई देता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे तीन ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप देखेंगे बुकिंग क्यू, तो जब आप यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शन खुल के आते हैं, सक्सेस, फेल्ड और पेंडिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेस, फेल्ड, पेंडिंग। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये तीन ही ऑप्शन जो हैं वो हमारे सामने दिखाई देते हैं। जब आप यहाँ पे तीनों में से किसी एक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेस में दिखाती है कि आपकी जो पेमेंट है वो कट हो चुकी है। तो चलिए मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको पेमेंट यहाँ पे दिखाई देती है, जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ सक्सेस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे सक्सेस को ओपन करते हैं ऑप्शन को, तो यहाँ पे आपके सामने बुकिंग सक्सेस दिखाता है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की जो टिकट है आपके सामने शो नहीं होती, केवल आपके सामने इस प्रकार से जो डिटेल है वो ही दिखाई देती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी शो कर रहा है, उसके साथ यहाँ पे आपको नेम और आपकी जो पेमेंट है तो यहाँ पे दिखा रहा है अमाउंट, इतना जो डिटेक्ट हो चुका है। और यदि आप यहाँ पे रिफंड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक रिफंड का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से हमारे सामने जो है वो दिखाई देता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे केवल इस प्रकार से हमारे सामने खुल के आ जाता है, यहाँ पे नो डाटा हमारे सामने आ जाता है, यहाँ पे किसी प्रकार की ट्रेन की डिटेल, यहाँ पे किसी प्रकार का अमाउंट या रिफंड हमारा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो एरर है वो दिखाई देता है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने साफ साफ लिखा गया है बुकिंग सक्सेस। और यदि आप सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाते हैं, वहां पे जो आपकी पेमेंट है वो डिडक्ट हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, इसका क्या कुछ सोल्यूशन है और आप किस प्रकार से इसका सोल्यूशन करेंगे, साथ ही आप यहां पे पासवर्ड रीसेट किस प्रकार से करेंगे, तो वो देख लेते हैं हम किस प्रकार से आपको करना है। ये जो पेमेंट है ये पेमेंट सीएससी के द्वारा ही आपके वॉलेट में रिफंड की जाती है, ये किसी प्रकार की कोई भी टिकट यहाँ पे बुक नहीं होती है, लेकिन आपकी जो पेमेंट है वो कट हो जाती है, लेकिन ये लगभग 24 से 48 घंटे के बाद आपके सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे डाल दी जाती है। अब इसके साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये एरर आपके सामने क्यों आता है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल जा चुके हैं, जब आप टिकट बुक करते हैं तो पहला जो पासवर्ड आता है वो आपके वॉलेट का या डिजिटल सेवा का आप डाल देते हैं, उसके बाद लास्ट जो पासवर्ड रहता है टिकट बुक करते टाइम पे, वहाँ पे आपको जो रेलवे है उनका पासवर्ड अलग रहता है वो आप यहाँ पे डालते हैं, लेकिन वो पासवर्ड जो है वो आपके पास नहीं होता है। कई बार आप क्या करते हैं कि अपना जो आपका सीएससी डिजिटल सेवा का पासवर्ड है वही वहां पे लगा देते हैं, लेकिन वो पासवर्ड वहां पे नहीं डालना होता है, आपको पासवर्ड अलग से मिलता है। वो भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार से वो पासवर्ड आप यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, जब आप वो पासवर्ड लगा देते हैं सीधे ही जो पेमेंट है वो कट हो जाती है, और पेमेंट कट होने के बाद आपका जो वॉलेट है वहां से पेमेंट डिडक्ट हो जाती है
और आपकी टिकट बुक नहीं होती है जबकि आपका पासवर्ड गलत है, तो आपके वॉलेट से कट होने के बाद वो रेलवे के पास नहीं जाती है। तो रेलवे पे किसी प्रकार का कोई टिकट बुक ना होने के कारण आपकी जो पेमेंट है आपको वापस डिजिटल सेवा पोर्टल पे भेज दी जाती है और आपके वॉलेट में दोबारा से क्रेडिट कर दी जाती है। इसमें लगभग 24 से 48 घंटे का प्रोसेस होता है, तो ये प्रोसेस के लिए आपको वेट करना है और आपकी पेमेंट के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो पेमेंट है वो आपके वॉलेट में आ जाती है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो दोस्तों यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आपकी पेमेंट को लेकर के आती है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट डीएम से संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, और यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से भी संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि जब से जो पोर्टल है उसको अपडेट किया गया है सीएससी के द्वारा, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग में जाकर के यदि आप टिकट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे टिकट भी क्रिएट नहीं होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सीएससी वीएलईज को यहाँ पे समस्या आ रही है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यदि आप अपना जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है भूल चुके हैं, आपके पास वो अभी नहीं है, तो आप किस प्रकार से उसे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो खोल लेनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने एक ईमेल जो है वो IRCTC की तरफ से भेजा गया है। यहाँ पे दोस्तों यदि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको अपनी ईमेल ओपन करनी है, जो ईमेल आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दी हुई है। यदि आपको वो याद नहीं है, आगे मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ आपको किस प्रकार से जो ईमेल है वो पता लगेगी। तो आपके मोबाइल में जितनी भी ईमेल रहेंगी उनमें आपको IRCTC लिख करके सर्च करना है। जब आप वहाँ सर्च बार में ऊपर की तरफ जो सर्च बार दिया रहता है वहाँ पे जाकर के आप सर्च करेंगे, तो वहाँ पे IRCTC जैसे ही आप लिखेंगे तो जितनी भी IRCTC की तरफ से जितनी भी ईमेल आपके पास भेजी गई हैं वो टोटली ईमेल आपको यहाँ पे दिखाई दे जाती हैं। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से अपनी जो ईमेल है वो सर्च कर लेंगे, और यहाँ पे आपको जो पासवर्ड है, और साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव प्रोसेस्ड द रिक्वेस्ट फॉर रीसेट ऑफ प्रोफाइल पासवर्ड, द पासवर्ड फॉर प्रोफाइल जो आपकी आईडी रहेगी वो यहाँ पे आपको मेंशन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड आपको भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी गया है वार्म रिगार्ड्स कस्टमर केयर इंटरनेट टिकटिंग IRCTC। तो यहाँ पे IRCTC जो CSC पोर्टल है उनकी तरफ से यहाँ पे मेरे पास जो पासवर्ड है वो भेज दिया गया है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा भी गया है पासवर्ड रीसेट फॉर जो आपकी आईडी रहेगी IRCTC की वो भी यहाँ पे मेंशन होती है। तो इस प्रकार से आप अपना जो पासवर्ड है वो प्राप्त कर लेंगे। यदि फिर भी आपके पास ये ईमेल नहीं दिखाई देती है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना व्हाट्सएप कर लेना है। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं मैंने यहां पे एक फॉर्मेट ओपन किया है, एक्चुअली जो है आपके जो सीएससी डीएम है आपके जिले के, तो वहां पे आपको इस प्रकार से फॉर्मेट में लिखना है, अपना नेम यहां पे मेंशन करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको IRCTC जो मोबाइल नंबर है, यदि आपको नहीं पता है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से आप अपने मोबाइल नंबर को पता करेंगे। IRCTC ID जो आपकी रहेगी वो यहां पे मेंशन करनी है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी IRCTC ID किस प्रकार से पता करेंगे, और आप अपनी CSC ID इस प्रकार से ये टोटल फॉर्मेट लिख करके अपने DM जो डिस्ट्रिक्ट DM रहेंगे जो जिले के आपके DM हैं उनके पास यहाँ पे भेज देंगे, और इसके साथ आप यहाँ पे लिखेंगे आपको अपनी IRCTC का जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो रिसेट कराना है। जैसे ही ये जो फॉर्मेट है उनके पास जाएगा तो वो इसको फॉरवर्ड कर देते हैं IRCTC के साथ शेयर करते हैं, तो उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद आपके पास जो आपका पासवर्ड है वो रिसेट होने के लिए जिस प्रकार से मैंने आपको ईमेल दिखाई वो 20 मिनट के बाद मेरे पास आ चुकी है। तो इसी प्रकार से आपके पास भी ईमेल आएगी, उसमें आपका पासवर्ड दिया रहेगा। मैं आपको चेंज भी करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको वो टोटल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इतना आपको कंप्लीटली कार्य कर लेना है, और अब मैं आपको ये बता देता हूँ अपना आप जो आईडी है IRCTC का और मोबाइल नंबर है और साथ में ईमेल आईडी किस प्रकार से पता करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ईमेल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, आपको हर एक जितनी भी आपके फ़ोन में ईमेल है उनमें आपको ऊपर की तरफ जो सर्च बार दिया गया है वहाँ पे जाकर के आपको सर्च कर लेना है IRCTC लिख के। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो जितने भी ईमेल रहेंगे वहाँ पे आपके सामने ईमेल आ जाएंगे। तो CSC की तरफ से जो IRCTC ईमेल आपके पास आया है तो वही ईमेल जो है आपका रजिस्टर्ड ईमेल है ये आपको पता लग जाएगा, क्योंकि IRCTC की तरफ से तभी ईमेल आता है CSC की तरफ से यदि आपका वहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल रहेगा और उसी पे ईमेल आपके पास आएगा। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है और अदर जो डिटेल है वो यहाँ पे दे देता हूँ। तो दोस्तों आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर लेना है, तो यहाँ पे आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने हम पोर्टल पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च बार में
ऊपर की तरफ लिख देना है IRCTC। तो जैसे ही आप यहाँ पे IRCTC लिखेंगे तो यहाँ पे पहले वाला जो है आपके लिए रेलवे टिकट बुकिंग के लिए है, लेकिन सेकंड वाला IRCTC रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप वेट कर लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे जो इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ न्यू रजिस्ट्रेशन, टोटल रजिस्ट्रेशन, इस प्रकार से जो आपकी डिटेल है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट अपलोड, हाउ टू लॉग इन, हाउ टू रिलीज पैन कार्ड, हाउ टू कंप्लीट प्रोफाइल, सस्पेंड प्रोसेस, अपडेट CSC ID, यहाँ पे इस प्रकार से आपको जानकारी मिलती है। तो ये ऑप्शन में से आप अपने हिसाब से जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे दिया गया है, ईमेल आईडी नंबर कोरेक्शन आप करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से सर्विसेज यहाँ पे दी गई हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आप अपना मोबाइल नंबर किस प्रकार से चेक करेंगे और अदर डिटेल किस प्रकार से चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं स्टेटस चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पे दिखाई दे जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे सबसे पहले CSC ID लिख के आ गई है। उसके बाद आप यहाँ पे नेम देख सकते हैं अपना, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है, डेजिग्नेशन जो रहेगा वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, उसके साथ आपकी स्टेट जो रहेगी वो यहाँ पे दिखाई दे जाती है। तो इस प्रकार से आप अपना टोटल जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फाइंड आउट योर IRCTC कोड, यदि आपके पास कोड नहीं है तो कोड यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो IRCTC की आईडी है वो कौन सी है, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगी। उसके बाद मैं आपको और चीज़ें यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप इसको नीचे की तरफ से यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद फॉर मोबाइल नंबर मेल अपडेट काइंडली यूज दिस लिंक टू अपडेट, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मोबाइल नंबर एंड ईमेल वेयरली फॉर न्यू B2B पोर्टल, तो यहाँ पे भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप टोटल जानकारी जो है अपनी ईमेल मोबाइल नंबर से लेकर के जितनी भी जानकारी है वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल से जुड़ी हुई जानकारी। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना पासवर्ड किस प्रकार से आप रीसेट करेंगे या आप अपडेट करेंगे या न्यू पासवर्ड किस प्रकार से आप यहाँ पे मंगा लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे अपना जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि आपका जो पासवर्ड है आप अपने कोऑर्डिनेटर को या फिर अपने CSC DM को भेज देते हैं, उसके बाद जो ईमेल है आपके पास आ जाती है। जब आपके पास ईमेल आ जाती है तो ईमेल पे आपके पास एक लिंक शेयर किया जाता है और साथ में आपकी आईडी और पासवर्ड शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से जो पासवर्ड है और आपकी आईडी है वो यहाँ पे आपके पास ईमेल के माध्यम से भेज दी जाती है। तो आपको यहाँ पे एक लिंक प्राप्त होता है, यदि वो लिंक आपको नहीं मिलता है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपना जो पासवर्ड है वो रिसेट करेंगे। किस प्रकार से रिसेट करेंगे, जब आपको ये टोटल जानकारी मिल जा चुकी है तो यहाँ पे आपको एक लिंक पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखना होगा एजेंट इंटरफेस एप्लीकेशन। जब आप ये यहाँ पे लिखेंगे तो आपका जो वेबसाइट है सबसे पहले वाली जो एजेंट इंटरफेस वाली है वो यहाँ पे खुल के आपके सामने आ जाती है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एजेंट इंटरफेस होम पेज पे तो यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन होता है। तो चलिए दोस्तों जैसे ही आपके सामने के पास ईमेल आ जाता है तो आपको इस वाली वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या मैंने आपको बता दिया एजेंट इंटरफेस एप्लीकेशन लिख करके आप वहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दिया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख के सर्च करेंगे तो ये वाला पेज जो है वेबसाइट का आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी जो रहेगी आपकी CSC की वो यहाँ पे डाल देनी है और पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड जो नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा वो कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट अपनी टर्म एंड कंडीशन को कर लेना है और लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। हमने जो टोटल डिटेल है वो यहाँ पे डाल दी है, अब यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है आपकी जो ईमेल आईडी रहेगी उस पर जो ईमेल आया है वो ईमेल से जो पासवर्ड और जो आईडी है आपको यहाँ पे डाल देनी है और उसके बाद जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे पासवर्ड मैनेजमेंट दिया गया है। यदि आप यहाँ पे किसी प्रकार की कोई अपने प्रोफाइल में अपडेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी अलग से ऑप्शन दिया गया है। किसी प्रकार की हेल्प चाहिए और अन्य जो जानकारी है TDS वगैरह से लेकर के टोटल यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे हम लॉगिन हैं तो यहाँ से आप जो भी डिटेल यहाँ पे इस प्रकार से जुड़ी अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपडेट कर पाएंगे।
तो चलिए हम यहाँ पे जो पासवर्ड मैनेजमेंट है यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो पासवर्ड है उसको चेंज कर लेते तो हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने जो पासवर्ड चेंज करने की जगह है वो खुल गई है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको ओल्ड पासवर्ड जो आपको अभी ईमेल के माध्यम से भेजा गया है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप सेकंड वाले में अपना न्यू पासवर्ड जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे डाल लेंगे। आपको एक सॉलिड पासवर्ड यहाँ पे बनाना है, इस प्रकार से आपको पासवर्ड बनाना है। आपको पासवर्ड यहाँ पे मजबूत पासवर्ड बनाना होगा तभी यहाँ पे चेंज होगा। और आपको ध्यान रखना है जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे बनाएं आपको ध्यान रखना है कि आप क्या पासवर्ड बना रहे हैं। जब भी आप ट्रांजेक्शन जब IRCTC के पोर्टल पे जाकर के कंप्लीट करेंगे और वहाँ पे मोबाइल नंबर जो OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे, ये वाला पासवर्ड आपको वहाँ पे डालना होगा। जो पहला पासवर्ड है वो आप वहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल वाला डालते हैं, उसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो डालते हैं आप ये वाला डालते हैं। तो आपको ये पासवर्ड यहाँ पे नोट करके अपने पास रख लेना है ताकि आपको विषय में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। मैंने स्पेशल करेक्टर @## वगैरह यूज करे थे तो वो यहाँ पे शायद नहीं डलेंगे। तो चलिए मैं इसको दोबारा डाल देता हूँ। तो चलिए हमने चेंज कर दिया है, फिर हम सबमिट करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, योर न्यू प्रोफाइल पासवर्ड लिखा गया है यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ पे ध्यान से रख लेंगे अपने पास में। तो आपको किसी प्रकार की यहाँ पे गलती नहीं करनी है। आपको जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है और साथ में जो कैपिटल और शॉर्ट अक्षर का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इसके बाद जब भी आप यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पे ये वाला पासवर्ड आपको यूज करना होगा। जब भी आप IRCTC की कोई भी जो टिकट है किसी पैसेंजर की बुक कर रहे हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको यूज करेंगे और अपना जो टिकट क्रिएटिंग का जो वर्क है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक न्यू जानकारी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।